दिनांक 7 अगस्त 2023 को भवानी मंडी में विप्र फाउंडेशन बैठक संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा चच्चू भैया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। चच्चू भैया ने अपने उद्बोधन में आगामी 27 तारीख को विप्र महाकुंभ को सफल बनाने का भवानी मंडी की ब्रह्म शक्ति से आह्वान किया। प्रदेश महामंत्री विकास भार्गव ने आगामी 27 तारीख को कोटा दशहरा मैदान पर विप्र बंधुओं से सर गिनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि संगठन में ही ताकत होती है। विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष अवनेन्द्र व्यास लाला ने युवा और महिला शक्ति को महाकुंभ को सफल बनाने का आह्वान किया। समारोह में सर्व ब्राह्मण परशुराम सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजन जोशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रजराज शरण गौतम, कार्यकारिणी के पदाधिकारी मंचासीन थे। प्रदेश मंत्री ओम प्रकाश शर्मा और कार्यकारिणी सदस्यों ने सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन गिरधर गोपाल शर्मा और तपन शर्मा ने किया। इस अवसर पर रमाकांत दीक्षित अध्यक्ष, आद्य गौड़ प्रदीप जी शर्मा अध्यक्ष, गौतम समाज अरुण पांडे, सिखवाल समाज रवि कुमार शर्मा, एडवोकेट छगन लाल दवे, सनाढ्य समाज सीमा शर्मा, सनाढ्य ब्राह्मण महिला अध्यक्ष कमलेश शर्मा अध्यक्ष, गौतम महिला समाज भावना शर्मा अध्यक्ष, महिला आद्य गौड़ समाज रमेश चंद्र शर्मा, सिंदूरिया राजेंद्र शर्मा, सागड़िया ओम प्रकाश चतुर्वेदी, रंजिता पांडे, सुनीक्ष दीक्षित, निर्मल तिवारी, डॉक्टर मनमोहन शर्मा, वीरेंद्र कश्यप, अभिषेक शर्मा, डॉक्टर राकेश शर्मा, नागरिक सहकारी बैंक प्रबंधक महेश शर्मा, कैलाश व्यास, श्याम सुंदर तिवारी, राजेंद्र आचार्य, दिनेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के पुरुष और महिलाएं उपस्थित थीं। सभा के अंत में विप्र फाउंडेशन के प्रदेश मंत्री ओम प्रकाश शर्मा ने सभी आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। समारोह पश्चात स्नेह भोज का आयोजन किया गया। भवानी मंडी से वीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। हम छंद है भावों के तो कविता हो तुम, हम शाख है तरुवर की तो सुमन हो तुम, हम दीपक है जिंदगी के तो बाती हो तुम। मैं हम ओछते है खिलता हुआ, ओछते है खिलता हुआ तो उसकी मुस्कान हो तुम, और हम धनुष है तुम्हारा प्रिय तो उसकी तलवार हो तुम। हम चिंतन है प्यार का तो हमारा विश्वास हो तुम, हम चिंतन है प्यार का तो हमारा विश्वास हो तुम, और हम शब्द है ब्रह्म का, हम शब्द है ब्रह्म के तो सृजन का आधार हो तुम, हम शब्द है ब्रह्म के तो सृजन के आधार हो तुम, और हम लक्ष्य है यज्ञ के तो ऋचा की आहुति हो तुम, हम लक्ष्य है यज्ञ के तो ऋचा की आहुति हो तुम, और हम फौज है सदाचार के तो संस्कार हो तुम, हम फौज है सदाचार के पुरुष तो सदाचार हो तुम, और हम जीव है जगत के तो मिलन का आधार हो तुम, हम जीव है जगत के तो मिलन का आधार हो तुम, और हम पवन है श्वास की तो उसकी सुगंधी हो तुम, और महाकाल को नमन है पंक्तियां के हम अभिषेक है महाकाल के, हम अभिषेक है महाकाल के तो अर्पण की जलधार हो तुम, तो अर्पण की जलधार हो तुम, और जीवन और मृत्यु को जीवन और मृत्यु तो धूप चाह का खेल है, प्यार और मोहब्बत एक साथ रह के गुजार दो, हंसते रहो जब तक दीपक और बाती में तेल है जब तक दीपक। भाई साहब बिल्कुल आपका निवेदन हम स्वीकारते हैं। अगर आप इतनी मेहनत इतना त्याग करके पूरी टीम अगर शहर शहर आके इस प्रयास को कर सकती है कि 27 तारीख के ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम सफल हो, बिल्कुल होगा भाई साहब। ब्राह्मण कभी अलग नहीं है, ब्राह्मण की शक्ति से डरे हुए इंसान ने इस ब्राह्मण की भ्रांति को ऐसा कर दिया है कि वो ब्राह्मण है वो है इसलिए, और आज ब्राह्मण कभी नहीं सोचता जिसके आगे ब्राह्मण लग गया वो हर व्यक्ति परशुराम भगवान का शिष्य है, उनका बच्चा है, उनका वही उनकी रक्षक है, इसलिए ब्राह्मण की मानसिकता कभी ऐसी नहीं। ब्राह्मण समाज बोलता है, अभी अभी नारा लगा पंकज जी ने बताया था, वो समय था जब नारा लगता था कि ब्राह्मण जब जब बोला है तो राज सिंहासन डोला है, जब हमें अलग अलग घटों में अलग अलग बांध दिया तो हमारे पीछे के भाई नारे लगाते हैं बीबी पच्चू के पच्ची से समुदाय कि जब जब ब्राह्मण बोला है हम उसी ताकत से नीचे चले जा रहे हैं। हमने आरक्षण की मांग का होकर भाई आप लोगों ने कहानी वाली तरीके से आंदोलन किया, क्योंकि हम बुद्धिजीवी समाज है, हम
हमने 3%, 2%, 5%, आधा % 0.5% हो सकता है, 15%, 12%, 16% भी कोई हो, बाकी ब्राह्मण समाज ने गांधीवादी तरीके से आंदोलन की शुरुआत करी तो हमको सरकारों ने 14% की जगह 10% आरक्षण दिया। कोई सब समाज को साथ देगी EWS, हम जब भी कुछ नहीं बोले, वारे हमारा ध्येय वह हमारा ब्राह्मण समाज। आज हम राजस्थान की धरती पर 14% है, 85 लाख से लेके 90 लाख ब्राह्मण राजस्थान में निवास करते हैं और राजस्थान की विधानसभा में मात्र 19 विधायक, हर दिन में मात्र 2 का 7 का 2, क्योंकि आपकी 25 साल के अंदर जो मुट्ठी थी वो मुट्ठी धीरे धीरे खोल दी।